हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिव है और हमारा चैनल है जिसका नाम है स्टडी प्राइम। और आज हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी की और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात, गुप्ता डायनेस्टी जो 240 एडी से 595 एडी तक की थी, इसके जो रूलर्स हैं उनको जानते हैं। पहले श्री गुप्ता 240 एडी से 280 एडी, उसके बाद है घटोत्कच गुप्ता 280 एडी से 319 एडी, फिर है चंद्रगुप्त वन 319 एडी से 335 एडी तक, जो रियल फाउंडर कहे जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी के। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्ता 335 एडी से 375 एडी तक, उसके बाद है रामागुप्ता 375 एडी से 380 एडी, और उसके बाद है चंद्रगुप्ता जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है 380 एडी से 413 एडी तक, उसके बाद है कुमार गुप्ता जिनको महेंद्र आदित्य भी कहा जाता था 415 एडी से 455 एडी तक, और लास्ट में स्कंद गुप्ता 455 एडी से 467 एडी। चलिए जानते हैं इनके राजाओं के शासनकाल में कुछ जरूरी बातें और एग्जाम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त वन जिन्हों को रियल फाउंडर भी कहा जाता है। इन्हों का जो शासनकाल था वो 319 एडी से 335 एडी तक का था, और 319 एडी से 320 एडी का एरा था जो था वो गुप्ता एरा के नाम से जाना जाता है। इसे और इन्हों को चंद्रगुप्त वन को महाराज अधिराज भी कहा जाता था, जो इन्हों को टाइटल मिला था प्रजा के द्वारा। और गुप्त 319 से 320 एडी जो गुप्ता एरा है, ये इस एरा में गुप्ता डायनेस्टी फली फूली थी। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त 335 एडी से 380 एडी तक, रियल नाम था कच, और इन्हों को इंडियन नेपोलियन भी कहा गया है विंसेंट ए. स्मिथ के द्वारा। और समुद्रगुप्ता कॉल्ड एज कविराज, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये वीणा प्ले करते थे और गाने गाने का भी शौक था। और इन्हों के कोर्ट में एक पोइट थे जिनका नाम था हरिसेन, इस पर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए काफी बार क्वेश्चन। ही कंपोज प्रयाग प्रसिद्ध इट कंटेन द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता के बारे में जो भी अचीवमेंट है उसको पोएट के रूप में बना के गाया हुआ है हरिसेन ने। ये समुद्रगुप्ता से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें थी, जानते हैं अगले रूलर के बारे में और उसकी खास बातें। तो हमारे अगले जो गुप्ता डायनेस्टी के किंग है वो है चंद्रगुप्ता टू, इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था 380 एडी से 413 एडी तक इनका शासनकाल था। और इनका जो शासनकाल था उसको गोल्डन पीरियड भी कहा गया है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा भारतीय सभ्यता फली फूली है। तो चलिए इस पीरियड के बारे में जानते हैं क्या क्या आविष्कार हुए थे या क्या क्या सभ्यता फैली थी। सबसे पहले गुप्ता डायनेस्टी में अजंता केव्स के बारे में जानते हैं, इसके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अजंता केव है वो औरंगाबाद में है जो आज का महाराष्ट्र है, और जो अजंता केव्स है वो बनाई गई थी वाका टाका रूलर्स के द्वारा, और रिलेटेड थी बुद्धिज्म से, हिंदुज्म और जैनिज्म से। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जिन्हों को हिंदुज्म और जैनिज्म के बारे में वीडियो देखनी है वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, इस टॉपिक को मैं कवर कर चुका हूँ। और अजंता केव्स औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अजंता केव्स के बाद अब बारी है एलोरा केव्स की। ये भी औरंगाबाद में ही थे जो आज का महाराष्ट्र है, और इन्हों को बिल्ड किया गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने जो 11th सेंचुरी में थी, और रिलेटेड विद हिंदुज्म बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दोनों ही लगभग सेम थी, लेकिन इन्हों के जो बिल्ड की गई थी वो अलग थे। बाकी औरंगाबाद में दोनों ही हैं और रिलेटेड है हिंदुज्म बुद्धिज्म और जैनिज्म से। तो चलिए जानते हैं अगले कुछ पॉइंट्स।
रिदागोन टेम्पल, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कानपुर में है ये टेम्पल, और ये पहला ऐसा मंदिर है इंडिया का जो ईंटों से बनाया गया था, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टेम्पल जो बनाया गया था, जो इसका आर्किटेक्चर था, वो बेस था नागर स्टाइल पे। नागर स्टाइल का मतलब है पिरामिड शेप। ये पहला मंदिर था जो ईंटों से बना हुआ था, और वो भी पिरामिडल शेप में। और इसको इंडियन भाषा में नागर स्टाइल कहा जाता था। तो चलिए जानते हैं कुछ और पॉइंट्स जो गुप्ता डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कालिदास की, जो इसी एरा में थे, और इन्हों के द्वारा लिखी गई कुछ किताबें, बुक्स। तो जानते हैं कालिदास द्वारा लिखी गई बुक्स है जिन्हों के नाम है रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, विक्रमोश्यम, मालविका, ज्ञान मित्रा, ऋतुश्यामरम, कुमार संभ्यायम। और ये सारी की सारी लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। और कालिदास को इंडियन विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हों की लिखी हुई है कुछ बुक्स है, इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। तो चलिए जानते हैं अगले कुछ पॉइंट्स। ये तो कालिदास के बारे में थे। अब इसी गुप्ता एरा में थे आर्यभट्ट, जिन्हों जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत फेमस थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्ट। और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी, जो फेमस है इन्हों के बारे में, वो थे जीरो, पाई और डेसिमल। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्ता एरा में थे, और डिस्कवर करा था जीरो, पाई, डेसिमल। और इसके बाद हम बात करते हैं वाराहमिहिर के जो फेमस एस्ट्रोनोमर थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था पंच सिद्धांतिका। उसके बाद बात करते हैं ध्यानवंतार की, जो गॉड ऑफ आयुर्वेदा है। अमर सिंह रोट अमरकोश। उसके बाद बात करते हैं वत्स्यायन, जिन्होंने लिखा था कामसूत्र। और जो हमारे अगले फेमस राइटर है वो है विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्रा लिखी थी। ये गुप्ता एरा में कुछ फेमस राइटर्स थे जो बुक्स लिखी थी जिन्होंने, जो फेमस है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी याद रखने लायक बातें हैं। और जानते हैं अब अगले कुछ पॉइंट के बारे में। तो चलिए, फा हियन, फाहियन के बारे में भी क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री से संबंधित है। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया, स्टडी बुद्धा स्कल्पचर, और आयरन पिलर जो मेहरोली में है वो बिल्ड बाय चंद्रगुप्ता 2। जो मेहरोली में आयरन पिलर है वो चंद्रगुप्ता 2 के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद बात करेंगे कुमार गुप्त वन की, जो 412 से 455 एडी तक थे जिनका शासनकाल। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, जो फेमस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर थे। डिस्ट्रॉय बाय मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इन 1193। इसी काल में थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो पंजाब में है पाकिस्तान, और बिल्ड बाय महापद्मानंदा। विक्रमशाला यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, बिल्ड बाय धर्मपाला। हांस अटैक ऑन इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुमार गुप्त वन, जो हांस थे उन्होंने सेंट्रल एशिया से हमला करा था इंडिया पे
कुमार गुप्त वन के टाइम पे, तो इससे भी काफी सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं और काफी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। जो लास्ट रूलर थे वो थे स्कंद गुप्ता, 455 एडी से 467 एडी तक थे जो। ही सरपास हुंस इन्वेजन बट ही कुड नॉट स्टॉप द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। इन्होंने हंस के हमले को तो संभाल लिया था लेकिन गुप्ता डायनेस्टी को संभाल नहीं पाए। और विष्णुगुप्ता द लास्ट गुप्ता रूलर थे, जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर जो थे वो थे विष्णुगुप्ता। और चलिए बात करते हैं इसी डायनेस्टी में कुछ और बातें। गुप्ता रूलर वेयर द फॉलो ऑफ हिंदुज्म, और इन कुछ पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। गुप्ता जो रूलर थे वो वर्शिप करते थे विष्णु वासुदेव कृष्णा को, और जो इनका एम्बलम था गुप्ता रूलर का नेशनल वो था गरुड़, और जो दिनार थी वो गुप्ता एरा में मिंटेड की गई थी गोल्ड कॉइन से, जिनको दिनार कहा जाता था, और सिल्वर जो कॉइन थे उनको रूपक कहा जाता था। तो गुप्ता एरा में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखे। धन्यवाद, मिलते हैं।